19 जुलाई को मूव किए ना, बता 19 जुलाई पहले काम करते है तुम उसमें, दोनों सितंबर बता रहे हो अभी। मामा का अकाउंट खुल रहा है तो मामा का, कौन है? इधर आ जाओ और सुन लो, जो पूछ रहा हूँ सही जवाब देना। तुम तो बोलो करना चला गया वो सालों पहले, तो अब कैसे दोस्ती हो गई तुम्हारी? तुम्हें पता था कि महादेव ऐप में इस्तेमाल हो रहा है, फिर तुम लेते थे और देते थे, सबको जानते हो तुम लोग कौन कौन लोग काम किए और दिल्ली में साथ में क्या कर रहा था। ये कौन सा काम बिल्कुल समझाऊंगे। देखे भाई नोटों के साथ कैसे ये लोग देश और दुनिया में ऑनलाइन सट्टा बुक ऑपरेट होने वाली जो महादेव बुक है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आज कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन गुर्गों को पेश किया गया। तीनों गुर्गे जो है महादेव बुक के अहम गुर्गे कह सकते हैं, क्योंकि इन तीनों लोगों से काफ़ी खुलासे हुए हैं, बहुत कुछ पता चला है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें सामने आई हैं, आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन जो तीन गुर्गे कौन है इसके बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। एक का नाम है नविंदर सिंह उर्फ लक्की, ये नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित नाम है। ये 2 साल से महादेव बुक के लिए काम कर रहा है और ये पैनल ऑपरेट कर रहा था 2 साल से, लेकिन अब जो है कैश हैंडलिंग का काम करता है। कैश हैंडलिंग मतलब किसी को पैसे चाहिए होते हैं उसको पैसे प्रोवाइड करता है, और कहीं से महादेव बुक के लिए जो पैसे ज़रूरत पड़ती है वो पैसे ही लेने देने का काम इसका रहता है। यू कह सकते हैं आप, हवाला का काम जो है नविंदर सिंह उर्फ लक्की करता है। इसके अलावा दूसरा जो आरोपी है राजवीर सिंह उर्फ चिंटू, इसके पिता का नाम है जसपाल सिंह, सुपेला का रहने वाला है। और तीसरा जो आरोपी है रजत साहनी उर्फ हड़िया, हड़िया बोलते हैं इसको, प्यार से दोस्त उसे हड़िया कहते हैं। इसके पिता का नाम है दिलीप साहनी, इसकी उम्र है 25 साल और 5 रास्ता सुपेला का रहने वाला है। तीनों आरोपियों से बहुत सारी पूछताछ हुई, तकरीबन 40 से 45 मिनट तक दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव लगातार इनसे बातचीत करते रहे और काफ़ी नाराज भी हुए। कहते रहे कि भैया बार बार मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ नहीं आती क्या कि तुम बार बार इसी गैंग में इसी रैकेट में ऑपरेट होने के लिए शामिल हो जा रहे हो, लड़के ले जा रहे हैं। क्योंकि तीनों लड़के जो हैं, तीनों जो गुर्गे हैं, ये लड़के ले जाने का काम भी करते थे। इनके व्हाट्सअप चैट सामने आए हैं, दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैट पढ़ते नजर आए। चैट में कई खुलासे हुए, दुबई से बात करने वाले जो दुबई में बैठे हुए उनसे बात करते थे, ऐसे कई लोगों के नाम सामने आए। तो आगे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, ताकि आपको पूरा मामला समझ आए कि क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये तीनों गुर्गे जो हैं क्या गुल खिलाए हैं, पूरा आप देखिए वीडियो। आजा देखने सुनने तो अच्छे दिखते हो ना, क्या पहने पुमा? आजा तुम्हारा पुमा का टाइगर जो है ना गया। क्या नाम है तुम्हारा? ये क्या बोला है? ये एन का मतलब क्या है? नवेंदर। ये एन जो बनाए हो ना, ये एन को तो नो के लिए यूज करना चाहिए था, नो टू ऑनलाइन बेटिंग। कब से पुलिस जो है आह्वान कर रही है, तुम तो यस यस कर रहे हो। कितने अकाउंट खुलवाए? श्यामू सर नहीं सर, मतलब कि खुलवाए नहीं है सर, जो मतलब बंदे ने जो दिए बस वही दिए सर। बंदे कौन? बंदे खुदा के, खुदा के बंदे हैं क्या ये? कौन है बंदे सर? वो जिनके अकाउंट है अपने। क्या बोल रहे हो? जिनके सर यहाँ पे अकाउंट है। तो ये अकाउंट किसने खुलवाया सर? उन्होंने खुद दिए हैं। और तुम क्या करते थे इसमें सर? मैंने बस लेके दिए हैं। बस लेके दिए हो? किससे लेके, किसको दिए हो? जिनके अकाउंट है। ओहो, जिनके अकाउंट है उनसे लेके तुमने महादेव वालों को दिए। और ये कितने रुपए में काम करते थे? कितना मिलता था एक अकाउंट देने में? 15-20 हजार। कुछ है ही नहीं, बस 15-20 हजार एक अकाउंट देने का। तुम 20 हजार लेते थे और बस है 15-20 हजार। जो आदमी मेहनत करे कमाता है ना 15-20 हजार, उसको मालूम चलता है मेहनत से पैसे कैसे आते हैं। और जिनको जिनको तुम अकाउंट लेते थे उनको कितना देते थे? तुम क्या बीच में क्या घूमने फिरने आए थे क्या? बिचौलिए थे ना, वो तो समझ रहा हूँ मैं, बिचौलिए थे ही थे। कितने अकाउंट दे चुके हो अभी तक? 2-3-4। अरे रेट लिस्ट देखें भाई, 20 ICCI करेंट रेट, करेंट सेंसेक्स की तरह है, 65 हजार। इंडस लैंड करेंट रेट 45 हजार,
फ्यूडरल बैंक करंट रेट 55,000, तो 15-20,000 बोल रहे थे भाई। सबसे बेवकूफ तू मुझे ही समझते हो क्या? जो बॉडी वॉडी देखे हो ना पूरा खत्म हो जाएगा, अभी जेल जा रहे हो। इनके साथ गंभीर धाराओं में कार्रवाई करना। यही लोग जो है ना फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं महादेव ऐप पर, कोई गिल्ट नहीं है इसको, कोई ब्लानी नहीं है। 15-20,000 बता रहा है मुझे रेट। इससे स्पष्ट होता है कि 65,000 में 10-15,000 रुपए ये अकाउंट होल्डर को देते थे और एक अकाउंट में 50,000 रुपए जो है दबा लेते थे। महीने में 10-15 अकाउंट खोलते थे और 5-6 लाख रुपए की कमाई बैठे बैठे कर लेते थे। पिछले 1.5-2 साल से लगातार अकाउंट सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। तो ये बैंक का अलग अलग रेट क्यों है भाई? हर बैंक में तो अकाउंट खोलने में उतना ही लगता होगा, तो फ्री अकाउंट खुलता है, तो ये रेट क्यों था? इधर आओ, इधर आओ, तुम बहुत ज्ञान दोगे। तो आ गया तुम लोग यार, तो खींच जाएगा तुम। हम तीन क्यों, तो ये रेट अलग अलग क्यों है तीनों बैंक का? हाँ, कौन बोलता है? ये रेट किसने दिया और ये रेट लगता किस काम में? रेट किसने दिया? तो तुम्हारा रेट सेम होगा, वो जिससे तुमने अकाउंट लिया उसका रेट सेम होगा। तो तीनों बैंक का रेट अलग अलग क्यों है? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? बोल दो। तो बुलवाने के बहुत तरीके हैं मेरे पास, उन तरीकों का इस्तेमाल ना करना पड़े तो टैटू उड़ जाएगा पूरा। ठीक है, जो पूछ रहा हूँ सही जवाब दो। तीनों का अलग अलग रेट क्यों था? भाई लोगों को, अरे भाई चलो तीनों भाई साथ में रहोगे जेल में, उसमें भाईचारा और बढ़ेगा। कब से कर रहे हो ये लेन देन का काम? सर मतलब जनवरी कभी सही बताना, सब जानकारी निकल जाएगी बैंक में। अब सितंबर हो गया, देखो जनवरी से पीछे गया सितंबर, अभी कौन सा सितंबर? 22 का, 21 का कि 20 का? अरे इस साल पहले अकाउंट दिए होंगे तुमने? पैनल में काम करते थे, पैनलिस्ट हो तुम। इतनी बार जो मैंने आह्वान किया मीडिया में गला फाड़ फाड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो तुम्हारे तक आवाज नहीं पहुंची मेरी। वो छोड़ के ये काम शुरू कर लिया तुमने? कौन छोड़ा तुमने काम? कोई एहसान किया मेरे ऊपर? काम छोड़ दिया मैंने? कहाँ चलाते थे पैनल? चलाते थे या काम करते थे? कहाँ काम करते थे? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पे? नोएडा में। कौन चलाता था वो पैनल? भाई के साथ। नाम क्या है उसका भाई? जल्दी पूछ रहा हूँ, कहीं बता दो, नहीं तो इतनी धाराएं लगेंगी ना। अब कैसे याद आ गया अचानक तुम्हें? मेरी काउंसलिंग का असर तो है, लेकिन तेज बोलता हूँ तभी तुम बीपी बढ़ा के ही तुम्हारा आवाज निकलेगी क्या? ये बदमाश है वैसे। देख के बदमाश लग रहा है, पुराना है, देखो ना उसके ड्रेसिंग सेंस सही लग रहा है। कितने महीने काम किए पैनल में? परविंदर कौन है? अरे भाई नहीं, नाम होगा उसका। भाई 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 कर रहे हो, सारे भाई को ठीक कर दूंगा मैं। ठीक है, हाँ क्या चीज? राजवीर के थ्रू गए थे, राजगुरु के थ्रू। राजवीर कौन है? वो बगल वाला। बहुत नाम सुना है मैंने। इधर आ बेटा, ये भी दिख ही रहा है, देख के बदमाश दिख ही रहा है। तुम कब से काम कर रहे हो? अक्टूबर में गए थे। कहाँ गए थे? नोएडा, दिल्ली गए थे। कितने दिन रहे वहाँ पे? महीना भर रहे, वापिस आ गए। कौन लेके गया तुम्हें? कोई तो बताया होगा, गए हो गए। परविंदर कौन है? कौन है? अहिवारा में रहते हैं वो, इतना रेस्पेक्ट। और क्या काम करता है परविंदर? अरे उसको बोलो फटोरी बोलो ना इसको यार, तुम परविंदर परविंदर फटोरी परविंदर बोलो। ये लोग कोई समाज में कोई रेस्पेक्ट के लायक लोग हैं क्या? बर्बाद कर रहे हैं समाज को। क्या काम करता है परविंदर या हिवाड़ा वाला? उन्हीं का काम था। अरे भाई, तो ये जो तुम्हारे है परविंदर, वो कैसे जान पहचान हुई तुम्हारी उससे? तो हिवाड़ा कैसे जाना होता है तुम्हारा? तू क्या काम करता है? बुआ रहती है तो वहाँ पर क्या हुआ? मिले हो?
फिर क्या किए? दिल्ली चले गए। दिल्ली कैसा लगा? और फिर देखा आसान काम पकड़ा दिया तुम लोगों को। ये कितने अकाउंट खोले तुमने? तो यहाँ पकड़े, यहाँ खड़े क्यों हुए हो? यहाँ खड़े हुए हो, कुछ तो कारनामा किया होगा ना? बताए जनाब, क्या कारनामा है इनका? इसको ट्रांसफर करता है, सारे अकाउंट लेके, सारे अकाउंट लेके इसको देना, फिर ये इसको दे। अरे भाई, यहाँ से अकाउंट लेते थे तो क्यों लेते थे अकाउंट? इनको देने का तुम्हारी क्या आवश्यकता थी? तुम्हें पता था कि महादेव ऐप में इस्तेमाल हो रहा है, फिर तुम लेते थे और देते थे, फिर बोलता कुछ नहीं करता था। बिल्कुल समझाऊंगे, तुम इनको देते थे और तुम क्या करते थे अकाउंट का? फिर काम करते थे, जो काम करते थे उनको, कौन कौन लोग काम करते थे, किस किस को सप्लाई किया है तुमने? इधर आ जाओ और सुन लो, जो पूछ रहा हूँ सही जवाब देना, नहीं तो अभी नहीं बोलोगे तो फिर बोलने लायक भी नहीं बचोगे। उनको पता है ना मेरे दवाइयों के बारे में? क्राइम वाले ग्रुप किए ना सर, चुटकी समझा रहा हूँ, ठीक है? मुझे गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो ये अकाउंट कहाँ, किस किस को दिए तुमने? उधर के मैं बस एक ही बार लिया हूँ, एक बार बनाऊँ, चार अकाउंट लिया था, ठीक है? अरे सालों, छह महीने है, दे रहे हैं तुम्हें, एक ही बार दिया हूँ, बेवकूफ बनाते हो मुझे। किसको दिए थे चार अकाउंट? मेरे पास सबको जानते हो तुम लोग हमारे आस पास, और कितने लोग काम करते हैं महादेव में? सर अब जो काम किए मोहनी से जुड़ा, कौन कौन लोग काम किए बता दो सर। एक राहुल नाम का काम करता है और उसके बाद मेरे आस पास का जो दोस्त है वो गया उसके पास काम में, तो मेरे को बोला की काम में जरूरत है, ये बदमाश लोग हैं, ये लोग जल्दी सुधरेंगे नहीं। जब ये हार्डकोर है सर, साल दो साल जेल में रहेंगे, उसके बाद केस बनाना, कम से कम 5-7 साल रहे ये लोग, तभी इन लोगों को समझ आएगा, ये तो सुधरेंगे नहीं ये लोग। सॉरी नहीं भैया, पहले 6 महीने ऑफर था, ये सुनते नहीं थे? जुआ एचआर में केवल जमानत लेके घूमो फिरो वाला ऑफर था, तुम लोग उस टाइम ऑफर में सुधरे ही नहीं। क्या है ये? कोई बात नहीं, जेल में बिना शर्ट के ही रहना पड़ेगा, टेंशन मत लो। हाँ, पूरा देश देख रहा है तुम लोगों को यार, तुम लोग बैठे बैठे तुम लोगों को नाम मिल गया है। पहले कितने कम लोग जानते थे, पूरा भिलाई देख रहा होगा तुम लोगों को, तुम्हारे घर वाले भिलाई देख रहे होंगे। क्यों भाई? अरे दिखाओ दिखाओ, ग्रुप दिखाओ यार, ये देखो दुबई टीम, टीम दुबई देखे आप लोग, टीम दुबई। भाई टीम दुबई में किसको भेजते थे भाई? लोग सब अपना इंट्रो दो, देखो नए रिक्रूट्स के लिए है, नेम एंड सिटी, जर्नी डेट 22-23 से स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई, आईपीएल के 2 दिन पहले काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई काम, जो जो रेडी है भाई साहब, जल्दी बात कर लो भैया से। कौन भैया? भैया कौन भैया? भारत करके हैं, भरत भैया। कहाँ रहते हैं भरत भैया? व्हाट्सएप पे बात हुई है। भरत भैया क्या करते हैं? यही कबूतरबाजी। एक एक करके आए। हाँ भैया, पहला कैंडिडेट सुखबीर सिंह भैया, मैं आऊंगा भिलाई से। अरे भाई, ये लिख रहे हैं अमित भैया दुबई। ये अमित भैया दुबई कौन है? सर मैंने जान सर, सबको ऐड कर, अमित भैया का फिर जानते नहीं हो तो? सर मैंने इसको ऐड किया, वो अपने दोस्त को। तो ऐड कहाँ से किया भाई? सर वो ग्रुप बनाया भरत, तो मैं मुझे भरत भी ग्रुप बनाया है। अरे भाई हाँ, मेंबर तो है ना भरत, कितने मेंबर हैं इनके दुबई घूमने वालों के? 4 लोग निकल गए ये और भरत एडमिन है जना। क्या बात है, दुबई टीम, आधार वधार भी लोगों का ले रहे हो, पासपोर्ट अमित भैया दुबई,
एक पूछ रहा है भैया, ऊपर से मैसेज आया है कि इस महीने के लास्ट में फाइनल वीसा मिल जाएगा। ओके भैया, भाई लोग, भैया मैं 4-5 लोगों को तुरंत भिजवा दूंगा। अरे भाई क्या पकड़ है तुम्हारी, तुम गाइडेंस देते हो, समझ रहा हूँ, तुम करियर गाइडेंस का कोर्स चला रहे हो, तुम अपना करियर तो बना नहीं पाए, दूसरों को गाइडेंस कर रहे हो। हाँ, ठीक बोल रहे हो। पासपोर्ट कितने बनवाए देखो, 1, 2, 3, 4 यही वाले, यही वाले। ये सब लोग कहाँ हैं? दुबई। दो लोग दुबई में, बाकी लोग कभी जाने वाले हैं। सारे भैया ही हैं तुम्हारे यहाँ यार, कोई तुम्हारे नॉर्मल आदमी है ही नहीं। इसके बहुत रिलेटिव जा चुके हैं। कितने लोग तुम्हारे घर से घूम आए दुबई? तुम गए थे दुबई? नहीं गए? कौन कौन गया तुम्हारे घर से? भाई गया है, क्या नाम है वो भाई का? तरन सिंह, अपना भाई है। कब गया था वो? टाइम मतलब महीना भर आया, वापस नहीं आया? क्या काम कर रहा है वहां पे? इसी के लिए गया है। वीडियो भी है ये देखे, पहली बार दुबई के पैनल का वीडियो, कैफे दुबई में काम करता है, इसको मीडिया ग्रुप में डालें, देखें। जनाब इसके भैया, तुम्हारे भैया पैनलिस्ट हैं, क्या करते हैं वहाँ पे, चलाते ही हैं पूरा काम करने गए हैं। भैया की शादी वादी नहीं हुई क्या? हाँ, और परिवार से कौन गया है दुबई? हाँ, ये उनका कॉर्पोरेट दुबई के, इनके पापा वगैरह दुबई का ना, पहली बार आया। देखो कितने सारे अकाउंट्स में है, AV2 अकाउंट, रेड्डी बुक 218 रिमूव्ड यू, अभी निकल। ये रेड्डी बुक 2018 कहाँ था? अरे भैया तो 19 जुलाई को तो हटा दिए तुमको ग्रुप से, तुम मुझे बता रहे हो कि अक्टूबर में तुम गए थे। अरे भैया डेट देख रहे हो, मतलब 19/7/2022 से तो चल रहा है ना ये अकाउंट। देखो भैया 19 जुलाई को रिमूव किए ना, मतलब 19 जुलाई पहले काम करते है तुम उसमें, तुम सितम्बर बता रहे हो अभी। देखो यार तुम्हारे, तुम्हें मेरी दवाइयों का पता नहीं है, अभी इसका पूरा मैं रिसर्च तुम्हारे ऊपर ही करना पड़ेगा मुझे। मैंने पहले कहा था जो बोलना है सच बोलना है, जुलाई में छोड़ चुके हो तुम, मतलब क्या? कोई बात नहीं, मेमोरी की प्रॉब्लम है, जेल में 5-7 साल रहोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, सब ठीक हो जाएगा। भाई इसको जेलर को लिख के देना, ठीक है, किसको भूलने की शिकायत है, इसको प्रॉपर मेडिटेशन कराया जाए। हाँ हाँ भाई गया है ना वहाँ पे, वो तो एक ही बताओ क्या क्या प्रॉपर्टी खरीदे हो, इतना जो बनाए हो उससे। ये देखो उसकी पढ़ो तो, कितने प्यारे प्यारे लिखे हैं, टीम रेड्डी बुक। अरे भाई आपको एक सूचना दी जाती है, मंडे को आपकी सेटलिंग होने के बाद आपको अकाउंट ग्रुप का टोटल बैलेंस है उसको मंडे नाइट को क्लियर किया जाएगा। अरे भाई 5% एक्स्ट्रा पे दिया जाएगा भाई। वैसे फर्स्ट टाइम है सर, एक लेवल ऊपर जाके गिरफ्तारी हुई है सर। भैया डिपॉजिट फॉर्म क्यों सेंड कर रहे हैं आगे ग्रुप में, ये देखो सुपर आईडी। जुलाई कब से चल रहा है? जुलाई 16 से। सब अभी इसका भी एक एक का पता लगाना, जितने इनके दोस्त है ना, क्योंकि बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक फ्लाई टुगेदर, ये सब जो है ना, नाम भी कैसे रखा है, स्विफ्ट डिजायर वो वाला डिजायर, डिजायर भी एक से एक है इन लोगों का। दुबई के बहुत लोगों से टच में है, क्यों भाई दुबई में इसलिए दाढ़ी बना रखी है? देश विदेश में दोस्ती कैसे हो गई तुम्हारी इतनी? तो दाढ़ी इसलिए रखा है, दुबई में शिफ्ट होने वाला है। हाँ अरे भाई जरा सुने तो क्या क्या क्या
भाषा भी कितनी अच्छी है तुम्हारी। ये तो तुम्हें क्यों भेजा किसी ने? पैसा खा गया होगा। तुम्हारे दोस्त वैसे ही है ना कि ऐसी बातें भेजते हैं तुम्हें? अरे भैया तुम्हारे फोन से निकल रहा है, मैं डालाऊं इसको। तुमने तुम बात कैसे करो जो भेजा है तुम्हें उससे? भैया कल मैं आपको सुबह अकाउंट पहुंचा दूंगा। अरे भाई ये 5 मार्च 2023 की बात है। रवि अग्रवाल भैया कौन है? कौन दुबई में है? तुम तो यहाँ भी अकाउंट पहुंचवा रहे हो। ये देखो भाई 2 लाख में कुछ वापस कर देते, सुखी को देना है मुझे। ये 2 लाख कौन सा है भाई? 2 लाख तुम तो बोलो 10-15 हजार में होता है, 2 लाख की बात हो रही है। ये देखो रवि ऊपर से ही बात किए उससे बात हो गई है पैसा। अरे भाई ये रवि ऊपर कौन है? स्किनी हुई है। कोई बात नहीं, अभी तुम पुलिस सेवा होगी तुम्हारी तो बहुत कुछ याद आएगा। पुलिस के खाने और पीने में ना पुलिस का पानी भी चढ़ना अमृत की तरह है, बहुत उसमें यादगार याददाश्त मजबूत होती है। पीएसडी कराएगा क्या जी? बहुत सारी चीजें। ये देखो एक और डिपॉजिट है 8/2/18, इसमें कब रिमूव हुआ है? ये रिसेंट है, सेम टाइम। कितने सारे चलाता है देखो ना इसका आईडी के नाम, कम से कम 25-30 तो आईडी के नाम है इसमें। हाँ क्या बताना चाहते हो भाई, क्या बताना चाहते हो? कुछ भी दिमाग में आया तो बताओ यार, मीडिया के सामने क्यों डरते हो? तुम तो महापैनलिस्ट हो, पैनलिस्ट भी नहीं है। हाँ सब तुम्ही को ग्रुप में ऐड करते हैं, इतने ग्रुप से हो लगते हो तुम। ये सब जितने 2 नंबरी ग्रुप हैं उसमें तुम्ही क्यों हो भाई? एक भी तो अच्छा ग्रुप होता जहाँ कुछ अच्छी बात करते। मतलब वो तो होली में होली मैसेज नहीं आया तुम्हें? होली के दिन भी केवल ये लेन देन के मैसेज भरे हुए हैं तुम्हारे फोन में। एक भी ग्रुप में तुमने कोई पैसा को छोड़ के और कोई बात ही नहीं की है। उनको कितना पैसा मिलता है? अरे दिखा, अरे करोड़ों मिल रहा है यार, कहाँ हो आप? ये लोग चलाने वाले हैं पैनल, ये मतलब 2-4 लाख तो ऐसे निकाल लेते हैं पैनल से। पैनल से और ऊपर वाले हैं सर, पैनल से ऊपर वाले डिटेल भी निकाल, मतलब जो पैनल ओनर है ना उनके ऊपर वाले हैं, कैश में लेते हैं पैसे। इतना पैसा करते क्या? अरे भैया दुबई में घूम रहे हैं, अकाउंट के लिए रिकॉर्डिंग है। हां अकाउंट मांगते हैं रिकॉर्डिंग हो गया ही ना यार, ये देखो ना। ये बोर्ड मतलब वो तो नाम सेव कर रखा है मम्मी, और लेन देन मम्मी से भी कर लेते हो तुम तो यार। तुम्हारी मम्मी भी इसमें मिली हुई है, कम से कम परिवार को तो दूर कर देते भाई इन काम से। अरे तो पैसा तो कस्टमर केयर रेडी, ये तो बहुत नया मैसेज है भाई, तुम तो छोड़ चुके हो, फास्ट करो यार। सुनो रजिस्टर नंबर से मैसेज कीजिए सर, जिस नंबर आपका रजिस्टर है ना आईडी का, नंबर से मैसेज कीजिए तभी आपको इस आईडी की कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये तो हया है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। तू भी ये सब बातें क्यों कर रहे हो, आईडी देने की बातें? आईडी नहीं सर, ऑनलाइन सर गेम खेलते हैं सर। भाई तो खिलाए को बोलो, खेलेंगे तुम तो बोल रहे हो मुझे। नहीं सर गेम मतलब ऑनलाइन सर मैं खेलता हूं। ओहो विड्रॉल नहीं चाहिए, न्यू आईडी बनाना है। देखो तुम तो यार बहुत ही, ये देखो 25/2/23 को भी है महादेव 240W, ये भी जुड़े जुड़े हुए हो तुम। सब सब गेम खेलाने वाला है सर। अरे क्या खेलवाने वाला है? गेम खेला तुम तो ही खेलने खिलवाने सब में आगे हो, पूरे टाइम यही सब काम करते। अभी लड़की तुम्हें क्यों कॉल लगा रही है भाई? वो खेलने वाले हो तो खिलवा क्यों रहे, तुमसे क्यों मांग रही है खेलने के लिए? सर,
पर्सनल क्या मैसेज है, सब पैसे का ही लेन देन है। पैसे तो ये देखो अखिलेश HDFC बैंक, इसका सुनो सर, आई एम कमिंग टू भिलाई, वी आर वेयर कैन वी मीट रिगार्डिंग अकाउंट, मतलब अकाउंट बना के देता होगा ये अखिलेश HDFC, दो लोग है ना, एक एक्सिस बैंक का भी है एक HDFC। ये कौन है अखिलेश भाई, दिमाग पे जोर डालना यार, तो दिमाग भूल जल्दी जाते हो, ये कौन है अखिलेश HDFC? पर्सनल पता चल जाएगा भाई, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हारे जैसे पर्सनल अकाउंट में भाई जो एक वो है हरजीत सिंह कौन है, हाँ मामा का अकाउंट खुल रहा है, तो मामा का तो तुम्हारा अकाउंट कहाँ खुल रहा है पर्सनल, मामा जी और तुम एक ही पर्सन हो क्या, ऊपर नीचे सर मेरा पर्सनल मामा का तो पर्सनल बट वो चल रहा है, मैं समझ गया तुम इतने इसका पता लगा था कौन है ये हरजीत सिंह, स्ट्रीट नंबर 4 भिलाई 1, हरजीत सिंह में ये शो कर रहा है, तो भाई हरजीत सिंह में ही शो करेगा ना, उसके नाम पे अकाउंट लिए हो तो इसको ही पूछताछ के लिए बुलाना। एक्सिस वाले 3-4 अलग बैंक के अकाउंट बना के बात कर रहे हैं, क्या चीज एक्सिस वाला बोलते हैं इंडसलैंड भी बनाएगा, HDFC बनाएगा एक अकाउंट, ये कौन है एक्सिस बैंक का आपका, सुपर में भी ऐसे चल रहा था ठेका ले रहे लोग, तू पूछ रहा है बोलो, धीरज करके है, कहां है वो एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा में है वो, 3-4 बैंक के अकाउंट खुलवा लेता है, जी 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 अभी उसकी हा 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 हो जाएगी, अभी कहां का है कोटक तुम्हारे कारण मेरे को कितना लंबा पीसी हो गया मेरा, नहीं लग रही इंटरेस्टिंग है, अरे हंसी मजाक नहीं लग रही, बहुत सही चीज निकल रही इसमें, पहली बार ब्रांच की, देखो करण भैया जियो जियो भाई जियो, देखो उनको भी खिलवा रहे हो तुम तो बड़े पैनलिस्ट हो भाई, पैनलिस्ट उसके ऊपर की चीज हो, तुम बैंक ऑफ बड़ौदा सब में तुमने तो क्या चीज, अरे भैया तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी पूरी इतिहास खुल जाएगा, ये देखो गाड़ी खरीद रहे हो कॉल मी, ये सब पैसे का यही तो काम करते हो, इसको लेने कहाँ आना पड़ेगा, सब महंगी गाड़ियाँ खरीद रहे हो तुम लोग, तो गर्लफ्रेंड प्लस गर्लफ्रेंड के लिए है क्या, तो गर्लफ्रेंड की बात अभी नहीं कर पाए, छोड़ो यार ये देखो होटल नंदीप में, कहाँ ये होटल नंदीप, नागपुर क्या करने गए थे, घूमने गए थे, अकेले गए थे, साथ ले वहां पैदल चलाए, गोवा के पैदल के लिए गए, गोवा के पैदल, सब कुछ तो पता है, साहब बैठे हैं इतने पढ़े लिखे, तुम यार समझते नहीं हो, तुमको जो समझा रहा हूँ ना इतनी बार समझा दिया है, अब परमानेंट समझा दूंगा ना, समझ बचेगी नहीं तुम्हारी, ठीक है हीरो मत बनो, जो जी पूछते हैं सही ढंग से बताओ कम से कम, गोवा गए थे खरीदने के लिए पैदल, गोवा में तो साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, हवा में मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, सुनना सुनो उनसे भाई, फिर ऐसे की तैसी होगी, क्या करने वाले थे गोवा में ये लोग, अभी भी गोवा में पैदल चल रहा है, सुनो भाई तो यार मैं तो समझा रहा हूँ, मेरे सब्र का इंतहा मत लो, नहीं तो डूब जाओगे तीनों सब्र की, ये मैं समझ गए, तो सर उठाओ यार, काम इतना बड़ा बड़ा किए हो, जितने भैया है ना सब सारे बदमाश ही हैं, इमरान भैया और क्या क्या कहानी है बताओ भाई कुछ, हाँ गोल्डी देखो ये लोग कौन है, गोल्डी भैया कौन है, गोल्डी भैया पूछ रहा हूँ, मिलने नहीं, कौन है गोल्डी भैया, क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, तो क्या है तुम्हें फोन किया उसने, तो भाई तो जानते हो तुमको, तो नेता है ना गोल्डी, कौन है गोल्डी,
कैंप में। पूरा नाम बताओ। मैं तो चिल्लाता हूँ तभी चिल्लाता हूँ तभी तुम्हारा दिमाग का कंप्यूटर काम करता है, ऐसा क्यों भाई? गोल्डी शुक्ला ना? कहाँ रहते हैं? कौन से कैंप में? कैंप में क्या काम करते हैं? कोई नहीं बेटा, सब पता ही मालूम चल जाएगा हम लोगों को। तुम्हें लगता है पुलिस को पता नहीं चलेगा? भाई ये देखो, हमारे लड़के भेजते भी है। देखो इसको फॉरवर्डेड आया है आशीष भैया। कौन है आशीष भैया? बाल काटते हैं, दुनिया की जेब काट रहे हैं वो लोगों की, खिला खिला के अपनी जेब भर रहे हैं। दिल्ली में पकड़े गए महादेव बुक के सभी गुर्गों के नाम का खुलासा। दुर्ग एसपी बोले 50 से 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन। देखिए फटोरियों के नाम, ये आपको क्यों भेजा गया है भाई? आशीष भैया फटोरिया नाम क्या? ये आशीष भैया फटोरिया क्यों भेजे हैं आपको? हाँ बताओ तो कम से कम, ये सलून का काम करते हैं कि ऐसे ही काम करते हैं? अरे हाय देखे भाई, नोटों के साथ कैसे ये लोग। भैया लक्ष्मी जी की देवी का, लक्ष्मी माता का कुछ तो आदर किया करो। यही अनादर किया है तो ये हाल हुआ है। देखो निबेड़ियों में बंद हो गए हो, देखें जरा बताएंगे जनाब ये कौन है महानुभाव? भाई तो सब है, जितने बदमाश है वो भाई ही होते हैं, वो तो मुझे मालूम है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, पूछ रहा हूँ जनवरी 11 को फोटो क्यों गई तुम्हारे फोन पे? जनवरी 11 क्यों डाली गई तुम्हारे फोन पे? और कौन है ये भाई? ये ना इनकम टैक्स वाले उठा ले जाएंगे भाई को इस फोटो पे ही, ठीक है? जो कैश के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी कहाँ रहते हैं ये भाई? क्रूज में रहते हैं। क्या काम करते हैं भाई जान? उसी में है आईपीएल सट्टा में, जब काम वही कर रहे हैं। यही कोका कौन था? क्रूज कोका क्रूज, क्या नाम है? कसके बताएं भाई? सोनू, पूरा नाम बताएं। गुरजीत सिंह। सब पता है तुमको यार, तुमने चीख के गला खराब कराने का ठेका ले रखा है क्या तुमने? डेली पीसी करनी पड़ती है मुझे यार, मेरा भी कुछ सोचो, जो पूछे सही ढंग से बताया करो। कैसे पैसे का गुरूर है देखो, तुम्हारे जैसे लोगों ने तो बर्बाद कर दिया है। फोटो डाल दीजिए, डाल देना कसम, लोग जाने ना कौन है ये गोल्डी। अमनदीप कनाडा, ये कनाडा में क्या करते हैं जनाब? तुम तो दुनिया भर में जानकारी है तुम्हारी यार, इतने तो सारे हमारे दोस्त नहीं बने हर देश देश में। हाँ पढ़ने गया था, कब गया था पढ़ने? कनाडा चला गया दोस्ती तुम्हारी अभी कैसे हुई? तुम तो बोलो कनाडा चला गया वो सालों पहले, तो अब कैसे दोस्ती हो गई तुम्हारी? दिल्ली में साथ में काम करता था आईपीएल फट्टा का, तो ऐसे बताओ ना यार, ये कनाडा में जाके चला रहा होगा फट्टा। अरे दुनिया भर में तुम लोग की पकड़ है। तो ये अमनदीप, वो तो यार तुमने नाम ही कनाडा के नाम से सेव किया है, इसका मतलब नहीं। और दिल्ली में साथ में क्या कर रहा था ये? कौन सा काम? महादेव का काम। कब कर रहा था, किस महीने में? हाँ इसका ही पता लगाएं, अमनदीप कनाडा का। एक से एक लोग हैं। अरे भाई लक्की हूँ मैं। ये जीवन भैया कौन है? नंदिनी वही के भैया है, बता रहा हूँ ये सब चीज में यार, तो मुझे देख देख के पूछना पड़ता है, और तुम दिमाग पे थोड़ा भी जोर नहीं डालते हो, कितनी गलत बात है ये। तो बताओगे ही ना? नहीं बताओगे निकाल लूंगा मैं जानकारी। ये नंदिनी में कहाँ रहते हैं जीवन भैया? मिले नहीं हो, चलो जीवन भैया का ही पता लगाएं। बसंती तुम दुबई जा रहे हो क्या? सुना है मैंने। अरे देखो भाई देखो, तब से सुन रही है, कब से सुन रही है ये?
20 अगस्त 2022 में ही सुन ली हो कि तुम दुबई जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ ये बसंती तो और क्या लड़का होगा क्या क्या हो यार। कौन है बसंती? दोस्त की दोस्त है वो, दोस्ती तो तुमको याद दिखा रही है, दोस्त को तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे। और भी बहुत सी बातें करी है तुमने, उसको पब्लिक करना नहीं चाहता हूँ। दिमाग पर जोर डालना, जो पूछ रहा हूँ सही सही बताना, नहीं तो पूरा तुम्हारा चिट्टा खर्चा खोल दूंगा ऊपर से लेके नीचे तक। ठीक है, उनको पता नहीं है दिमाग का डॉक्टर हूँ मैं। कैसे कैसे फोटो वीडियो भेजते हो तुम लोग, भगवान बचाए। हाँ, नहीं गाड़ी भाई, ये भाई कौन है? राजा सुपेला भाई तो सब है तुम्हारे, जो महादेव में काम करते हैं सब भाई ही है, कोई बहन तो है नहीं, तुम लोग पुरुषों की यूनिट है केवल। क्या है अरे बाइक खरीद रहे हो तुम भाई, तुम लोग पैसा उड़ाते हो। तुम लोग गिरवी रखने की आवश्यकता है, तुम पहले बेच दो लोगों को। देखो तो 22 में भी पेमेंट कर रहे हो भाई साहब, पेमेंट कब आ रहा है भाई? घर में पेमेंट हो जाएगा। अरे भाई एक दिन में तुम लोग लाखों कमाते हो यार, ये तो ऐसे में पीसी लूंगा तो आधे लोग पद भ्रमित हो जाएंगे तुम्हारा इनकम देख के। वो अच्छा काम भी करते हो यार, कि पूरे टाइम दो नंबरी काम ही करते हो। ये रोशन भाई कौन है? नहीं दोस्त तो सब हैं भाई, तुमने इतनी दोस्ती कर रखी है, चुनाव ना लड़ने का इरादा है क्या तुम्हारा? इतने भाई बना रखे हैं तुमने। ये काम क्या करते हैं रोशन भाई? किसका? ऑटो डील है, पता लगाना। तुम्हारी 50 से ज्यादा महिलाएं दोस्त हैं, सैकड़ों पुरुष दोस्त हैं, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है यार कि दोस्ती की तरह भीड़ लगा रखी है? पैसा। अरे भाई ये क्या लिखे हो? मैसेज है। कौन है ये? मैं मोंटी, ये मोंटी कौन है? मोंटी भाई, भाई तो है, भाई लिख रहे हैं, घर वाले मेरी पढ़ भी नहीं सकता मैं तो। स्टार 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 में स्टार 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 गई है। मोंटी भाई क्या काम करते हैं? मोंटी भाई क्या काम करते हैं? महादेव का काम करते हैं। सब जानते हैं, तुम झूठ बोलते हो। देखो यार तुमको इतना समझा दिया, तू समझ नहीं पा रहे हो। तुमको हिंदी आती है नहीं आती? हिंदी आती है तो समझा दो, जो समझा रहा हूँ। देखो कहाँ तक पढ़ाया? ये AU कौन है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखो कुछ लोगों ने नहीं, नहीं बोल किया मैंने, जब पूछेंगे तब बोलूँगा। बदमाश तो हो ही यार, कितना फूल है तुम्हारा।
संदीप का जो बैंक का क्या चीज संदीप करके एक आदमी हाँ बैंक का काम करता है उसके रिकॉर्डिंग में अभी तक तो खेल रहे हो तुम यार तुम्हारे फिर लोगों क्या किया जाए बताओ यार इतना मैंने आह्वान किया चीख चीख के तुम्हारे कान तक गया ही नहीं क्या आह्वान तुम्हें भैया लोगों की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो अरे अभी तो अकाउंट दिए हो यार तुम कहाँ चलो कोई नहीं इतनी सारी धाराओं में जा रहे हो ना कि 5 साल से पहले जमानत मिली तो मुझे बताना निकल गया कि फिर जमानत हो गई मेरी तुम लोग तीनों जो हो ना कहाँ तक पढ़े हो कुलफा हो आप अरे देखो यार इतने महंगे महंगे सामान खरीदे हैं पूरे फोन में भरे हुए हैं कहाँ आप लोग खरीदे होंगे बताएंगे थोड़ी आपको यार जैसा आप देख सकते हैं इन तीनों से पूछताछ में बात स्पष्ट हुई है कि इनके द्वारा 1 साल से मल्टीपल पैनल्स चलाए जा रहे थे पैनल्स में इनको अकाउंट दिलवाए जा रहे थे दुबई घूम के आ रहे थे लोगों को दुबई भेज रहे थे पासपोर्ट एजेंट से मिलके इनके पासपोर्ट बनवा रहे थे और कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं इनके महादेव ऐप के रवि उपल सौरव चंद्राकर उसके साथ पूरे टाइम संपर्क में थे इनके मोबाइल सभी जब्त किए गए हैं अकाउंट जब्त किए गए हैं उनकी उनसे काफ़ी बैंक वालों की भी संलिप्तता की बात सामने आ रही है उसकी भी जांच की जाएगी और जो बैंक के लोग इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी इनके 4 अकाउंट्स अभी मिले हैं जिसमें 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है पाया गया लेकिन इनके द्वारा सैकड़ों बैंक अकाउंट दिए गए पिछले 1.5 साल से काम कर रहे थे खुद दिल्ली जाके ये पैनल देख रहे थे कुछ लोग कनाडा में और दूसरे देशों में पहुंच गए हैं जिनके फोन रिकॉर्ड से मालूम चल रहा है और दुनिया भर में ये लोग अपना रैकेट चलाने की कोशिश कर रहे हैं।